अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अनुराग ठाकुर खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों की बात की है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देगी, ऐसी उसकी योजना है। इसी को लेकर अनुराग ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा बयान दे चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों की बात की थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देगी, ऐसी वो योजना बना रही है। आपको बता दें ऐसा ही कुछ बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे चुके हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अनुराग ठाकुर खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों की बात की है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देगी, ऐसी उसकी योजना है। इसी को लेकर अनुराग ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा बयान दे चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों की बात की थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट देगी, ऐसी वो योजना बना रही है। आपको बता दें ऐसा ही कुछ बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दे चुके हैं।